हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। नाम लेते हैं हर हर महादेव का, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं। वैसे भी बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल जाता है कि कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ क्या करने वाले हैं। तो वैसे आप लोगों को बता दूँ कि टोटल हमारे हिंदू धर्म में 12 जो भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से आज हम लोग जा रहे हैं 8वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, जो कि हमारे बनारस में ही काशी विश्वनाथ के नाम से बड़ा फेमस है। तो आज वहीं हम लोग जा रहे हैं। आज मौसम खुला था तो हम सोचे कि आज चलें वहां पे और दर्शन करें और आप लोगों को भी दिखाया जाए। और हमारे गांव से 40 किलोमीटर दूर वो मंदिर है, तो बनारस सिटी में जो कि शहर में है, और हमारा गांव जो कि वहां से 40 किलोमीटर दूर है, तो हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा बाइक से जाने में। तो रोड भी काफ़ी अच्छे हैं, नज़ारे दिखाएंगे रोड के भी, और बने रहिएगा इस ब्लॉग में। और सारा सिस्टम बताएंगे कैसे दर्शन करना है, क्या करना है इस वीडियो के माध्यम से। और चैनल पे अगर नए हो तो आप लोग चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो वीडियो डालूं पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे, लेट्स गो। हे गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बाइक से, और हमारे साथ हैं अंकित भाई, और जो कि आप हर ब्लॉग में इनको देखते हो। जब भी मैं गाँव आता हूँ तो अंकित भाई को साथ में लेके चलता हूँ। और आज बुलावा महादेव का आया है, तो हम लोग जा रहे हैं और हाईवे पे पहुँचने वाले हैं, जो कि ये बाजू में ही है हमारे इधर। यहाँ से 40 किलोमीटर है तकरीबन। तो चलिए मिलते हैं आपसे, रास्ते का व्यू देखिए, नज़ारे। हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के पास, और ये है बाबतपुर एयरपोर्ट, जो कि हम लोग बाउंड्री के पास में ही खड़े हैं। और देख सकते हो आप, ये रोड है मेन, जो कि अभी यहाँ से 17 किलोमीटर और बचा है। और अंकित भाई क्या बोलना चाहते हो, कितने टाइम में पहुँचाओगे आप? आधा घंटा और। और ये रहा एयरपोर्ट की बाउंड्री, और यहाँ से देख सकते हो हम लोग इस साइड से आए, जूम करके जिधर दिखा रहे हैं ट्रक खड़ी है। पार्किंग वर्किंग का सब बताएंगे आपको वहीं पहुँच के। और हम पहुँचे हैं बाबतपुर, जो कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे बाजू में है, लेफ्ट साइड में। और निकल रहे हैं हम लोग सीधे, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे, लेट गो। तो ये है गोदौलिया चौराहा, जहाँ आप पार्किंग कर सकते हैं। अगर जो नए लोग हैं उनको लिए बहुत प्रॉब्लम होता है कि बाइक पार्किंग कहाँ करें, गाड़ी कहाँ पार्किंग करें, तो आपको बता दें गोदौलिया से पहले एक चौराहा आता है, वहाँ पे फोर व्हीलर के लिए पार्किंग है। और आप यहाँ पे फैमिली के साथ हो तो यहाँ पर छोड़ के आप जा सकते हो। यहाँ से मंदिर मात्र 500 मीटर दूरी पर है, तो आप पैदल जाएँगे और हम लोग यहाँ पार्किंग खड़ी करेंगे और बताएँगे पार्किंग का कितना चार्ज होता है। तो चलिए बताते हैं आपको, ये है पार्किंग की 3 घंटे की 20 रुपये मात्र। तो यहाँ पे हम पार्किंग करके मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, और ये देख सकते हो गेट नंबर 4, यहाँ पे हम लोग जाएंगे अंदर दर्शन करने। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे टिकट 300 रुपये का है, जो कि आधे घंटे में दर्शन हो जाएगा। और हम लोग
बिना टिकट वाला लेके जाएंगे, क्योंकि पहले आए थे तो टिकट वाला करके गए थे, और टिकट अगर लोगे तो आप मोबाइल ले जा सकते हो लेकिन अंदर तक नहीं ले जा सकते हो, चेक इन तक, वहाँ फिर उसके बाद वीआईपी लोगों के लिए अलाउड है। तो हम लोग फ्री वाला लाइन में लगे थे, और दर्शन करने के बाद ये गेट पे थोड़ा सा ये सेल्फी पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ सेल्फी लिए, और देख सकते हो भीड़ कितनी काफ़ी है, संडे का दिन है। तो और हम लोग यहाँ कॉरिडोर, ये गेट नंबर 4 से हम लोग जा रहे हैं कॉरिडोर की तरफ, और अंकित और मैं दोनों जन का इतना अच्छे से दर्शन हो गया, बाबा विश्वनाथ की कृपा है। तो हम लोग सोचे कि अभी दर्शन हो गया है तो कुछ आप लोग को एक्सप्लोर कर दिया जाए बनारस के बारे में, और बनारस की चीज़ें आपको दिखाई जाए वीडियो के माध्यम से, तो आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो और हम लोग निकल चुके हैं अभी कचौड़ी गली से, जो कि अंकित भाई गाइड कर रहे हैं मुझे, इतना तो हमें नहीं पता है, लेकिन अंकित भाई बोले कि चलो हम बताते हैं आपको। बड़ा मज़ा आ रहा था बनारस की गलियों में, और ये बनारस की गलियों में पैदल चलने का जो सुकून मिला मुझे, और यहाँ पे बाइक वेक वाले आते जाते रहते हैं जिनको पता है, हम लोगों तो नए थे इसलिए हम लोगों को पता नहीं था, तो हम लोग पैदल ही चले जा रहे थे, क्योंकि हम लोग को दर्शन करके फिर बाइक कहाँ लेके घूमते हैं हम लोग, तो इससे अच्छा पैदल चलो और मस्त। और यहाँ कचौड़ी गली में कचौड़ी बड़ी फेमस है, तो आप लोग अगर बनारस आ रहे हैं तो बनारस में कचौड़ी ज़रूर खाइए कचौड़ी गली आके, और यहाँ कचौड़ी और जलेबी बहुत फेमस है। तो अभी ये देख सकते हो हम लोग आगे जा रहे हैं कॉरिडोर की तरफ, वहीं उसके आगे मणिकर्णिका घाट है, जो कि बनारस आने के बाद आपको पता चल जाएगा मणिकर्णिका घाट पे क्या होता है, और दिखाएंगे भी हम आपको वीडियो के माध्यम से। और आगे चलिए, हम पहले आपको कॉरिडोर का दिखाते हैं व्यूज़, और मस्त आप इंजॉय उठाइए। और अंकित भाई खूब चले जा रहे हैं, मैं थोड़ा पीछे हो गया, तो आगे चलिए दिखाते हैं आपको कॉरिडोर का नज़ारा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, जाइए मत। चलिए, ये रहा कॉरिडोर का व्यूज़, और हम सोचे कि आगे चले जाएं, लेकिन अंकित भाई राइट मार के निकल गए, तो ये देख सकते हो अंकित भाई फिर वापस आए, और ये कॉरिडोर का नज़ारा है। यहाँ कैफ़े भी है, एक सिवा कैफ़े करके है, तो वहाँ पे आप चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हो, और आप कुछ कॉरिडोर का नज़ारा इधर से भी देख सकते हो। मौसम इतना अच्छा था ना कि हम लोग आज के दिन बड़ा सही टाइम पे निकले थे कि क्लियर होगा, और क्योंकि यूपी में ठंड बहुत पड़ रही है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा देख ताक के निकले। और सामने हम जो दिखा रहे हैं आपको वो है मणिकर्णिका घाट। तो यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे होता क्या है, जो आदमी मृत्यु की सैया पे चला जाता है, और यहाँ बनारस में अगर उसकी बॉडी जल जाए तो उसको, ये देखो यहाँ पे भी लिखा है जलासीन पथ, वही बता रहे थे आपको कि अगर जिसकी मृत्यु हो जाए, अगर काशी में उसका दाह संस्कार हो जाता है मणिकर्णिका घाट पे, तो उसको स्वर्ग मिलता है, ऐसा कहा जाता था, हमारे बाप दादा बताते थे, तो हमें भी जो पता है वही बता रहे हैं आपको। और यहाँ पे अवघड़ बाबा खड़े थे, ये देख सकते हो आप, और बनारस में वैसे भी अवघड़ बाबा बहुत मिल जाएंगे आपको, और कुछ ये नज़ारा देख सकते हो, यहीं पास में हमने दर्शन भी किया, और यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो रही है सबको जो गए हैं, और कुछ ये सब यादें जुड़ी रहेंगी, और वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाना चाहते थे, और कुछ नहीं, यही है लाइफ, यही है दुनिया। और फिर वहाँ से निकले हम लोग, तो बैक साइड का ये कॉरिडोर है जो गंगा माँ की तरफ से दिखता है, और यहाँ से हम कुछ बोट का नज़ारा दिखाएंगे आपको, बोट पे भी लेके चलेंगे, क्योंकि बोट से हम लोग आरती देखेंगे आज, क्योंकि अगली बार आए थे तो हम राजेंद्र घाट पे चल के आरती देखे थे। कुछ आपको गंगा मैया का नज़ारा दिखाएंगे, और कुछ बोट का नज़ारा दिखाएंगे, चलिए लेट्स गो। ये है बोट का नज़ारा, और ये बोट पे हम लोग बैठ चुके हैं, हम लोग शेयरिंग वाला बोट लिए थे, जो कि हमें पड़ा था 200 रुपये पर पर्सन। वहाँ पे अगर आप प्राइवेट बोट लेंगे तो 1800-1200 आरती दिखाने का लेते हैं प्राइवेट बोट में, और हम लोग निकल चुके हैं। ये सामने जा रही है बोट अलखनंदा, ये नया यहाँ पे चालू किया गया है, एसी वाला है, बट अभी फ़िलहाल में एसी नहीं चालू की जाती, क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पे यूपी में अपने। और ये देखो इतनी पब्लिक होने के बावजूद भी, और ये भैया चला रहे हैं बोट, स्टार्ट हो गई, अभी घड़ी में बज चुके हैं 6, और आरती होती है 6 बजे से स्टार्ट, तो इसलिए हमें पहले आरती के पास लेके जा रहे हैं,
तो और वो भैया गाइड भी बता रहे हैं कि यहाँ पे कैसे। सो गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं राजेंद्र घाट और बाजू में दशाओं में घाट है। ये है जो कि राजेंद्र घाट जो जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आरती का। अभी यहाँ पे चालू होगी आरती, जो कि इतनी भीड़ पब्लिक क्राउड जो बोलते हैं ना, इतना हो गया है कि पूछो मत। और लेफ्ट साइड में आपको हम चलिए खड़े होकर दिखाएंगे, जो मेन आरती होता है वो दशाओं में घाट पर होती है। और ये राजेंद्र घाट पर ये जो दिख रहा है आपको ना, ये दशामेव घाट जो पांच पंडित जी हैं, और यहाँ पे राइट साइड में ये राजेंद्र घाट का जो कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतने ये देख सकते हो आप दशामेव घाट की आरती, जो कि ये मेन है। और आरती ख़त्म होते ही हम लोग निकल चुके हैं सीधे अस्सी घाट की तरफ। और ये नावी वाले भैया बड़े गाइड कर रहे थे, आपको 200 रुपये में क्या क्या चाहिए यार, अगर नाव वाले भैया कुछ बता रहे थे। तो ये है जैन घाट, और आगे जाएंगे हरिश्चंद घाट आएगा। और कुछ हमने वीडियोस इसलिए कट कर दिया क्योंकि हम पहले, आप जाओगे ना तो वैसे भी देख सकते हो, अलग अलग से हमने अस्सी घाट की वीडियोस बनाए हैं, बनारस के टूर का ब्लॉग बनाया है, तो आप जाके देख सकते हो हमारे वीडियोस पे। और कुछ नज़ारा ऐसा है, और हम लोग आरती देख के सीधे अस्सी घाट की तरफ निकल चुके हैं। और यहाँ पर अंकित मस्ती कर रहे थे हमारे साथ, और भाई एक भाई ये भी थे हमारे साथ में, ऐसे ही दोस्ती बन गई आरती देखते देखते। और नाव का मज़ा ही कुछ है, 200 रुपए में आपको इतना टूर कराएंगे, 2-3 किलोमीटर लेके जाते हैं वहाँ पे अस्सी घाट पे। ये जो सामने है अस्सी घाट जो जूम करके दिखा रहा था मैं आपको, ये है यहाँ पे स्टार्ट। हर अस्सी घाट बड़ा फेमस है, यहाँ पे भी आरती होती है। तो मेन जो आरती है, आप लोग अगर बनारस आएंगे तो सीधे आप आइए दशामेव घाट की आरती देखिए, ठीक है, मेन जो है। तो सारा टूर कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताना। और हम सो गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ, और बहुत रात हो चुकी है और 10 बज चुके हैं घड़ी में, और घूमते घूमते चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग